हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के? बढ़िया, चलो ठीक है। आज लोकेशन मैं नहीं बता रहा हूँ, लोकेशन आप लोगों को आइडेंटिफाई करनी है। बस सुबह निकले थे अपने काम से, काम पे आ गए, बढ़िया रहा दिन, मज़े से अपना काम चल रहा है, रिकॉर्डिंग्स वगैरह का अपना सेटअप मस्त हो रखा है और मतलब बढ़िया मज़ा आ रहा है। बस आज का ये था यार, एक 40 मिनट की रिकॉर्डिंग पहले करी, वो सेव नहीं हो पाई, तो थोड़ा दुख सा हुआ कि मैंने इतना वेस्ट हो गई, बट मैंने दोबारा रिकॉर्ड कर दिया तुम्हारे भाई ने। और अच्छा सर, लोकेशन कैसे पता लगाएंगे? ये लोकेशन आप लोग देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना हिंट दे सकता हूँ मैं, जा कमेंट करके बताना आपको कि लोकेशन कौन सी है। और आप बताओ, आपकी लाइफ कैसे चल रही है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा, ये क्या सिस्टम है ये? ये जो पार्टी वाला हैशटैग चला हुआ है, ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पारी कैसे था? मेरे को सही लगा, मैंने लगा चल भाई ये हमारी कार है और ये क्या नाम है, ये हमारे दोस्त है और ये हम और ही कर रहे हैं। तो मतलब नेम्स वगैरह का भी कॉन्सेप्ट ठीक ही है, देखा जाए तो लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, तो मैंने भी थोड़ा बड़ा बना के अपने स्टाइल में डाल दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। बाकी जैसे भी अपडेट होगी है देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। तो अपना घर जाते हुए अब बस लाइफ, मतलब गाने वाने नहीं सुन रहा सर, क्यों? अरे भाई यार, गाने लगाऊंगा ना, टी सीरीज़ वाले क्या करेंगे, चैनल पे डालूंगा इसको, तो फिर भैया कॉपीराइट का इशू डाल देंगे, समझ रहे हो? तो बस अब अपना घर जा रहा हूँ, आधे रास्ते में पहुँच चुका हूँ। पता नहीं यार आजकल क्या इधर वसूड़ी हो रखी है, ये जो बादली वाला रास्ता बलसवा वाला, यहाँ पर मोड़ पर जाम मिल जाता है। सुबह भी इधर से आ रहे थे तो अब क्या नाम है, फिर जाते वक्त वापस लिया यू टर्न, फिर संत नगर से होके आया, अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ हूँ, पता नहीं कब के मारे कब खुले, तो वो है। और आप बताओ आपका दिन कैसा गया, कुछ कमेंट वमेंट करके बताओ। अब देखो तुम्हारा भाई पहुंच चुका है, लेकिन वही है जाम में बैठे हुए हैं। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, आएगा कॉपीराइट तो आ जाएगा, थोड़ा सा आप लोग भी इंजॉय कर लोगे, है ना। गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी चला वाला नहीं रहा हूँ। और आप बताओ यार, मैं आपसे पूछ रहा था, आपकी लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ को एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये बताओ, या ऐसी काट रहे हो? अगर काट रहे हो तो भाई फिर दिक्कत है, और अगर एंजॉय कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन ये है कि डेली बेसिस पे ये देखो कि आज मेरी लाइफ में प्रोडक्टिव ये हुआ, जो मैं मतलब एक अनुभव के बेसिस पे कह रहा हूँ, शाम के टाइम बस थोड़ा सा एनालिसिस करो, फालतू कुछ नहीं। प्रोडक्टिव का मतलब ये नहीं है कि यार आप समझ सकते हो, जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो आपके लिए प्रोडक्टिव क्या है कि यार आज मैंने कितने घंटे एक्चुअल में काम किए। अब जैसे कि मान लो मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कुछ काम हो रहा है, वो कुछ ठीक है, पढ़ाई भी मेरे लिए प्रोडक्टिव है, काम भी है, फैमिली को टाइम दिया, फैमिली के साथ जाना था, माँ बाप के साथ जाना था, कुछ उन्हें लेके जाना था, कहीं किसी फंक्शन में जाना था, तो ये सब चीज़ें प्रोडक्टिव हैं। लेकिन हाँ, अगर हम अननेसेसरी यारी दोस्ती के साथ टाइम बिता रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं करना है, बट बात ये है कि मतलब धीरे धीरे ये सब करते करते ही हमारा सारा टाइम निकल जाता है, एक आध दिन हो रहा है तो भी चलेगा। तो भाई कोशिश करो कि थोड़ा सा प्रोडक्टिव आवर्स पर थोड़ा सा फोकस किया जाए, है ना सर। और बताइए बस, बाकी तो आ जाए करो यार सेंटर वेंटर पे, तुम्हारे ही सेंटर है, कभी आते ही नहीं आप लोग, बताओ ना, कोई लाइक ना कोई शेयर ना कोई कमेंट, मेहनत चल रही है आप लोगों के लिए, सपोर्ट करो थोड़ा बहुत। और तो क्या ही बोल सकता हूँ मैं आप लोगों को, आपको हमारे से सपोर्ट चाहिए बिल्कुल बताओ, सपोर्ट करेंगे आपके लिए। फाइनली भाई पहुँच गए हैं, उस वाले रास्ते से तो आया नहीं भाई, बलसवा वाले से तो 15-20 मिनट वेट करा, फिर गाड़ी घुमा के अपने संत नगर वाले रास्ते से आ रहे हैं। अबे भाई बहुत गंदा जाम लगता है, वहाँ से तो पाना ही बंद कर दूँगा बिल्कुल, अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करना है। तो फाइनली आप पहुँच चुके हैं, आपको पता ही आजकल यहीं पे सेटलमेंट हो रखी है, तो अपने सेंटर पे ही आ गया हूँ सीधा, और बढ़िया रहा दिन, आपका बताओ कैसा रहा? चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तो बस कोशिश करो कल का दिन प्रोडक्टिव बने, बढ़िया बने, जॉब करना चाहते हो वो एटलीस्ट होए, और लाइफ को अपने इन्जॉय करते रहो, मज़े करते रहो, ठीक है। किसी को हमारे साथ काम करना है ऑनलाइन सेक्टर में या वैसे कुछ भी कॉमर्स वाला बंदा, तो बिल्कुल ज़रूर जुड़ो यार, काफ़ी मन है अच्छे बंदे जैसे हमारे साथ जुड़े, सो दैट कि थोड़ा सा काम को और बढ़ा सके,
और थोड़ा सा मतलब मज़े से काम कर सके, थोड़ा और जो जो माइंड में है उसको हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर सके जेन्युइन पर्सन के लिए। जैसे भी मुकुल हमारे साथ जुड़ा है तो सही है, बढ़िया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।